डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं वो इतना आपको खास अटेंशन देकर आपको जेन्युइन तरीके से गाइड नहीं करते हैं। तो आज बहुत खुशकिस्मती की बात है मेरे लिए कि उन्होंने खुद अपना क्लिनिक खोला है डॉक्टर सखिया के साथ इन कोलैबोरेशन एंड जगदीश सखिया जी। एंड मेरी खुशकिस्मती है कि आई हैव कम हियर एज द चीफ गेस्ट। ऑल द बेस्ट शर्मिला, यू विल डू रियली वेल। बेन साहब तो अभी अभी खत्म हुआ है और आपको पता है टेलीविजन कैसा होता है, इसलिए वन ईयर कमिटमेंट, तो इतने जल्दी मैं तो नहीं चाहूँगी मुझे कुछ मिले। हालांकि काफ़ी ऑफर्स आए बट दे ऑल वांटेड टू स्टार्ट विद इन एक हफ्ता के, मतलब बेन साहब खत्म हुई और उनको एक हफ्ते में शुरू करना था एंड आई नीड इन माइंड ब्रेक, तो अनफॉर्चुनेटली मैंने उन सारे प्रोजेक्ट्स को मना कर दिया है। बातचीत चल रही है, होपफुली जब भी कुछ हो जाए और थिंग्स मूव आई अनाउंस इट। इंडस्ट्री में क्या हो गया कि मेल एक्टर्स हों, मेल मॉडल्स हों, मेल सेलिब्रिटीज किसी भी लेवल के हो, चाहे स्पोर्ट्समैन भी हो, अपने स्किन केयर, अपने हेयर केयर का इतना ध्यान रखते हैं क्योंकि अल्टीमेटली है ग्लैमर इंडस्ट्री। आप इंडोर्समेंट्स के ज़माने में हम आजकल हैं क्योंकि आप अगर इंडोर्समेंट्स कर रहे हैं तो आपकी इनकम बहुत अच्छी रहती है, आप आगे बढ़ते हैं। बात सिर्फ फिल्मों तक नहीं रही है अब कि आप जैसे भी लगते हैं वैसे आपको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो आई थिंक स्किन केयर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। मेरी जो फिल्म अभी आई थी आइडेंटिटी कार्ड और 6-5 equals 2, बहुत ही नॉन ग्लैमरस रोल्स, दोनों ही फिल्मों में मैंने बिल्कुल मेकअप नहीं पहना और शायद ये वजह है क्योंकि स्किन केयर अगर आप नेचुरली अच्छी रखते हैं तो आपको हो सकता है कुछ फिल्मों में मेकअप पहनने की जरूरत ना पड़े। लेकिन मैं अपने लिए ध्यान रखूँगा। आई लाइक टेक केयर माई सेल्फ।